हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे वायरल टमाटर की चटनी, जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। तो चलिए बना के देखते हैं टेस्ट में कैसी लगती है। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिए टमाटर, इसको मैंने बीच से कट कर लिया है, और लिया हरा धनिया, प्याज, हरी मिर्च, नींबू और 10 से 12 लहसुन की कलियाँ। अब यहाँ पर हम लेंगे एक पैन, उसमें डालेंगे 2 चम्मच ऑयल। ऑयल डालने के बाद सारे टमाटर को पलट पलट के इसमें रख देंगे, और इसमें अब डालेंगे हम लहसुन की कलियाँ। और लहसुन की कलियाँ डालने के बाद इसको ढक के 1 मिनट के लिए पकने देंगे। अब 1 मिनट बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा 1 चम्मच नमक, और नमक डाल के इसको 3 से 4 मिनट के लिए ढक के पकने देंगे लो फ्लेम पे। तो आप देख सकते हैं कि टमाटर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं और पक चुके हैं। बस इसके हम सारे छिलकों को उतार लेंगे, और उतारने के बाद इसे आप चाहे तो इसे मैश भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको मिक्सर में ग्राइंड कर रही हूँ। यहाँ हमारे टमाटर का पेस्ट रेडी हो गया है दरदरा सा। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज, हरी मिर्च, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, और इसमें डालेंगे हरा धनिया। अब लास्ट में इसमें डालेंगे हम नींबू का रस, और बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गई। तो चलिए अब इसे हम सर्व करते हैं। और ये रेडी है हमारी वायरल टमाटर की चटनी, जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, और एक बार आपको भी ट्राई करना चाहिए। तो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और रेडी है हमारी वायरल टमाटर की चटनी।